दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम अंडों के विषय पर बात करने वाले हैं। अगर कोई पोल्ट्री फार्मर भाई या फिर अगर कोई नए पोल्ट्री फार्मर भाई अंडों के इसमें काम करना चाहता है या फिर यूट्यूब पर के वीडियो देख के अगर उन्होंने घर पर ही थर्माकोल का एक छोटा मोटा अगर इंक्यूबेटर बनाया हुआ है, तो ऐसे में ज़्यादा रिजल्ट आने के लिए, ज़्यादा हैचरिटी मिलने के लिए, यानी कि मान के चले आपने अगर 10 अंडे लगाए तो उसमें कम से कम 9 चूजे निकलने के लिए कौन सी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इस विषय पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, दो प्रकार के अंडे होते हैं। एक होता है अनफर्टाइल अंडा और दूसरा होता है फर्टाइल अंडा। जो अनफर्टाइल अंडा होता है उसको हम टेबल एग्स भी बोलते हैं, वो खाने के पर्पज़ के लिए मार्केट में सेल किया जाता है। और जो फर्टाइल अंडा होता है वो हम इंक्यूबेटर में या फिर हैचरी में उसको सेट करते हैं 21 दिनों के लिए, और 21 दिनों के बाद उस अंडे से चूजा निकल आता है। लेकिन अगर कोई नई पोल्ट्री फार्मर्स है तो उनको फर्टाइल नॉन फर्टाइल इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखेगा, मैं आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर करा दूंगा, जिसके वजह से जो भी अंडे आप अपने इंक्यूबेटर में हैचरी मशीन में रखोगे उससे आपको हैचबिलिटी का रेशियो, अंडों से चूजे निकलने का जो रेशियो है ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वीडियो का टॉपिक और समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है रेगुलर बेस पर नॉलेजेबल पोल्ट्री की वीडियोज अपलोड करने में। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने से ये दोस्तों फायदा होगा कि अगर आप डेली बेसिस पर मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, जिससे कि आप रेगुलर बेसिस से पोल्ट्री के अलग अलग वीडियोज के टॉपिक से जुड़े रहेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉन फर्टाइल अंडा, जिसको हम टेबल एग्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो किराना दुकान में सफ़ेद कलर का अंडा आता है, बहुत लोग उसे ब्रॉयलर का अंडा भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली दोस्तों जो BV300 नाम की ब्रीड होती है वो सफ़ेद अंडा उस ब्रीड का होता है। जहाँ दोस्तों BV300 ब्रीड मुर्गियों के सभी प्रजातियों में सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली ब्रीड है, और साथ ही साथ 1200 से लेकर 1300 ग्राम का बॉडी वेट पर भी BV300 की मुर्गी 40 ग्राम प्लस का अंडा दे देता है। जो आप किराना दुकान पर सफ़ेद अंडा देखते हो वो BV300 मुर्गी का ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो किराना दुकान में किसी मॉल में से अगर आप सफ़ेद अंडा लेकर आते हो खाने के पर्पज़ के लिए या फिर उसके हैचिंग करने के लिए, तो एक बात आपको बता दूं, वो दोस्तों नॉन फर्टाइल अंडा होता है, टेबल एग्स होता है, उससे चूजा नहीं निकलता। उससे चूजा क्यों नहीं निकलता इसका भी एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो भी सफ़ेद अंडा मॉल में या फिर किराना दुकान में आता है उसके लिए जो BV300 की सफ़ेद मुर्गी पाली जाती है, जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मुर्गी दोस्तों पिंजरे में यानी कि केज सिस्टम में पाली जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से उस मुर्गी के साथ में मुर्गा नहीं होता है, ठीक है। और अंडों से चूजा निकलने के लिए मुर्गी के साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी जाकर वो अंडा फर्टाइल होता है और फर्टाइल अंडों से चूजा निकलता है। जो कि BV300 के अंडों से भी चूजा निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको BV300 के मुर्गी के साथ मुर्गा रखना होता है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े अंडों के फार्म होते हैं वो पूरी तरह से केज सिस्टम में अपनी मुर्गियों को पालते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार से मुर्गा नहीं रखा जाता, जिस कारण ये नॉन फर्टाइल अंडा होता है सफ़ेद अंडा, और इसको अगर आप अपने इंक्यूबेटर में लगाते हो तो उससे चूजा नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि आपकी बात क्लियर हो गई। ये मैं बेसिक इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स वीडियो के नीचे में देखे ही मेरे ही कि अभिषेक भाई, मैं अगर मार्केट का या फिर किराना दुकान का वो सफ़ेद अंडा अगर उसको मशीन में लगाऊंगा क्या उससे चूजा निकलता है। तो इसी कारण से मैं ये बेसिक बातें आपको समझा रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनको इंक्यूबेटर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी जानकारी उनके लिए नहीं है। जो नए पोल्ट्री फार्मर्स है उनको किसी प्रकार का दिक्कतें जो हो रही है, जो नया नया अभी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं, इंक्यूबेटर में अंडे लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसमें से मैं एकदम हाई लेवल की कोई बातें नहीं करूँगा, मैं बेसिक बातें करूँगा। अगर आपको पोल्ट्री के या फिर इंक्यूबेटर के रिगार्डिंग पूरी जानकारी है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हो। अभी मैं दोस्तों इस विषय पर बात करूँगा कि फर्टाइल अंडा। देखिए दोस्तों, फर्टाइल अंडा किसको बोला जाता है, मुर्गी की जितनी भी प्रजाति है वो सभी प्रजाति के मुर्गियों के साथ अगर आप मुर्गे को छोड़ते हो, चाहे फिर वो किसी बंद कमरे में हो, पोल्ट्री फार्म पे हो या फिर फ्री रेंज सिस्टम में हो, ऐसे में मुर्गी के साथ रहने के बाद जब मुर्गा और मुर्गी की मेटिंग होती है और उसके बाद जब मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडा फर्टाइल होता है, यानी कि उसमें एक लाइव कोई जान होती है ना। तो ऐसे अंडे को अगर आप इंक्यूबेटर में लगाते हो तो 100% आपके इंक्यूबेटर से बच्चे निकलते हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। एक बात मैं और से आपको दोस्तों बता दूं, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो और अगर आप अंडों के इसमें या फिर इंक्यूबेटर के इसमें काम करना चाहते हो, अगर मुर्गे के साथ मुर्गी को ना रखा जाए फिर भी आपकी मुर्गी अंडा देती है। जहाँ दोस्तों किसी भी प्रकार की मुर्गी को अगर आप लेते हो, चाहे फिर वो ओरिजिनल गावरान की हो, कड़कनाथ की हो, ग्राम प्रिया की हो या फिर सोनाली की हो, मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गी की जरूरत नहीं होती,
इसलिए मुर्गी के साथ जब मुर्गी नहीं होती ऐसे समय में जब आपको वो अंडा मिलता है तो वो नॉन फर्टाइल होता है। आप कितनी भी कोशिश करो उससे आपको चूजा नहीं निकलेगा। और जब कभी भी आप जो भी मुर्गियों की जितनी भी ब्रीड्स होती है उसके मुर्गी के साथ कोई भी अगर मुर्गा छोड़ते हो तो ऐसे में मुर्गा और मुर्गी के मेटिंग होने के बाद जो अंडा आपको मिलेगा वो फर्टाइल होता है। और उसके अगर प्रॉपर यानी कि इंक्यूबेटर में या फिर हैचरी मशीन में या फिर मुर्गी को सेने के लिए देते हो आप तो ऐसे में अगर उसका इंक्यूबेशन प्रॉपर होता है तो उस अंडे से चूजे जरूर निकलते हैं। यहाँ तक के बाद दोस्तों क्लियर हो गई। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में इस विषय पर बात कर लेते हैं कि हमें हैचेबिलिटी किस तरीके से ज़्यादा मिल सकती है। यानी कि आपने मुर्गी के साथ मुर्गे को तो रखा है लेकिन बहुत बार होता है कि मुर्गे के अंडे फर्टाइल होने के बावजूद भी इंक्यूबेटर मशीन से आपको 10 अंडों से सिर्फ 5 चूजे निकलते हैं। मुर्गी को आपने 12 अंडे लगाए उसमें से सिर्फ 6 चूजे निकलते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कम हैचेबिलिटी मिलने के लिए कारण क्या है वो आपको समझ लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हैचेबिलिटी बढ़ सकती है। सबसे पहले अगर मुर्गी खुद एक वीक है या फिर कमज़ोर है या फिर बीमार है तो ऐसे में जो अंडे की डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही कमज़ोर अंडा मुर्गी देती है। ऐसे में उस अंडे के भीतर में जान तो होती है लेकिन जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। इसके वजह से जब अंडा डेवलपिंग स्टेज में आता है तो विदिन 7 से लेकर 8 दिन की डेवलपिंग स्टेज के बाद वो डेड इन शेल हो जाता है, यानी कि अंडे के भीतर ही चूजा मर जाता है। दूसरी बात, मुर्गी के शरीर में विटामिन ई की कमी होना। जी दोस्तों, अगर मुर्गी के शरीर में विटामिन ई की कमी है तो ऐसे में भी मुर्गी के अंडे में जान तो होती है लेकिन वो डेड इन शेल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जी दोस्तों, अंडे की जान 7वें दिन 8वें दिन 15वें दिन आते आते उसके अंडे के भीतर का जो भी बच्चा होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पर आपके मुर्गी के शरीर में विटामिन ई की भी कमी नहीं होना चाहिए। विटामिन ई की डिफिशियंसी अगर आपके मुर्गियों का है तो आप इवियन प्लस की 200, इवियन 200, इवियन 400 जैसी टैबलेट्स या फिर गोली अपने मुर्गियों को देकर उसके शरीर के भीतर विटामिन ई की बढ़ोतरी कर सकते हो। उसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि आपके मुर्गियों के पीछे जो मुर्गे की आप क्वांटिटी रखते हो वो सही नहीं है। जहाँ दोस्तों, अगर आपने 20 मुर्गियाँ रखी है और उसके पीछे सिर्फ आपने एक मुर्गा छोड़ा हुआ है तो ऐसे में भी आपको हैचरबिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। यानी कि आपने अगर किसी मुर्गी को या फिर इंक्यूबेटर में आपने 15 अंडे रखे हैं तो उसमें से सिर्फ 6 ही बच्चे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि तो एक मुर्गा मैक्स टू मैक्स अगर आपको अच्छी फर्टिलिटी आनी चाहिए ऐसे लगता है तो एक मुर्गा आप 5 से लेकर 7 मुर्गियों के पीछे छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, 5 से लेकर 7 मुर्गियों के पीछे एक मुर्गा आप रखिए जिसके वजह से आपको 90 से लेकर 95% तक के फर्टिलिटी यानी कि हैचरबिलिटी मिलेगी। तो ये भी एक कारण होता है कि मुर्गियाँ ज़्यादा है और मुर्गे कम है, इसके वजह से कुछ अंडे तो फर्टाइल होते हैं और बहुत सारे अंडे नॉन फर्टाइल होते हैं जिसकी वजह से आपको हैचरबिलिटी बहुत ही कम मिलती है। तो आई होप दोस्तों ये जो भी बेसिक जानकारी है जो नए पोल्ट्री फार्मर्स को नहीं पता होती, नया इंक्यूबेटर का काम करते हैं वो बातें उनको नहीं पता होती, तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।